एम्स अस्पताल में लगी आग को लेकर आज बड़ा खुलासा हुआ। एम्स की इमारत में फायर एनओसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं एम्स प्रशासन ने इस मामले में आज जांच के आदेश दिए। एम्स अस्पताल में लगी आग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एम्स की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसको फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी नहीं मिली थी। हालांकि एम्स के पास एनओसी है, लेकिन बिल्डिंग के अलग अलग ब्लॉक के लिए फायर एनओसी जरूरी होती है। आज एम्स प्रशासन ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हौज खास थाने में केस दर्ज कर लिया है। ओल्ड ब्लॉक है, काफी पुराना ब्लॉक है, मेरे ख्याल ये 83 से पहले का है, तो इसमें एक बार रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पता लगेगा कि इसमें एनओसी दिया गया था, नहीं दिया गया और वैलिड है या नहीं है। बाढ़ और बारिश देश के कई हिस्सों में हालात खराब कर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का भी खतरा और बढ़ गया है। कर्नाटक, कोलकाता और छत्तीसगढ़ में भी हालात खराब हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। मंदाकिनी नदी में आए सैलाब में एक घर बह गया। अभी एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम्स भी भेजी जा रही है ताकि इन केस अगर लोगों को कैरावेनर के थ्रू या दूसरे उनके थ्रू इवैक्यूएट करवाना है तो उसके लिए भी सारे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं और लोगों को के रुकवाए जाने के लिए शेल्टर्स और वो सारी भी व्यवस्थाएं की जा रही और बेहतर तरीके से आपदा प्रबंधन करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। ऐसे ही कुछ हालात हिमाचल प्रदेश के हैं। कुल्लू में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ब्यास नदी और रावी नदी पर बने अस्थायी पुल को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने ब्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है। वहीं मंडी, चंबा, सोलन समेत कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया। सभी नागरिकों को ये सूचना दी गई है कि वो नालों के साथ और नदी के किनारे जो भी हैबिटेशंस हैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें और अगर पानी का जो है जल स्तर बढ़े तो वहाँ से इवैक्यूएट कर जाए इमीडिएटली। एक ऑर्डर भी इशू हो चुका है, इसमें सारे ही फील्ड फंक्शनलिटीज को अलर्ट पे रहने के लिए बोल दिया गया है। अभी जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो रोड्स हैं, जो मेन रोड्स हैं और जो मेन आर्टेरियल रोड्स हैं उनको हम खुलवाएं ताकि जो हमारा जनजीवन है वो किसी भी तरह से अस्त व्यस्त ना यथासंभव हो सके। तो थोड़ा खतरनाक जगहों पर और घर से बाहर बिना वजह निकलना जो है वो अवॉइड करें। शिमला में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ जिसमें चार लोग एक घर के नीचे दब गए। रेस्क्यू टीम ने तीन लोगों को बचा लिया है। लगातार बारिश की वजह से मनाली से लाहौल के बीच लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। वहीं भाखड़ा बांध के फ्लड गेट खोल दिए गए जिससे पंजाब में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। कोलकाता में भी लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। सीआरपीएफ के जवान मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटने पर।